किं देवत्वस्यां दक्षिणायां तिष्ठसि इति यमदेवता इति स यमः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति यज्ञ इति कस्मिन् यज्ञः प्रतिष्ठित इति दक्षिणायाम् इति कस्मिन् दक्षिणा प्रतिष्ठिता इति श्रद्धायाम् इति यदा हि एव श्रद्धते अथ दक्षिणां ददाति श्रद्धायागं हि एव दक्षिणा प्रतिष्ठिता इति कस्मिन् श्रद्धा प्रतिष्ठिता इति हृदयो इति होवाच हृदयेन हि श्रद्धां जानाति हृदये हि एव श्रद्धा प्रतिष्ठिता भवति इत्येवं मे वैतद्याच्च वल्क्य किं देवतस्यां दक्षिणायां दिश्यसि पुनः उसी प्रकार का प्रश्न डाला दक्षिण दिशा का कौन सा देवता है सीधा नहीं पूछ रहा है कहते हे यज्ञवल्क्य तुम इस दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए दक्षिण दिशा का कौन सी देवता के साथ अभिन्न होकर के तस्वरूप अपन्न होकर के दक्षिण दिशा के विराजमान हो इति तब जवाब में कहा यम देवता इति यम ने धर्मराज यमराज जी महाराज वही है देवता जिसका ऐसा दिशा वाला होकर के मैं विद्यमान हूं ऐसे कह दिया। स्वयं कसम प्रतिष्ठित है यमराज जी किसे प्रतिष्ठित है कर्म में यज्ञ कसम यज्ञ प्रतिष्ठा यज्ञ किसे प्रतिष्ठित है दक्षिणा में कसम दक्षिणा प्रतिष्ठिता दक्षिणा किसमें प्रतिष्ठित है श्रद्धा में क्योंकि यदा ही एवं श्रद्धत्व है अत दक्षिणा ददाति जब व्यक्ति के अंदर कोई श्रद्धा हो किसी के प्रति तभी वह दक्षिणा देगा चाहे लौकिक हो चाहे अंतर्वेदी हो चाहे बहिर्वेदी हो किसी भी प्रकार के दान देने के पीछे में उसके कोई तत्व के प्रति श्रद्धा है तभी वो दे रहा है। अगले के प्रति श्रद्धा नहीं भीख मंगे को भी देते है दान यानी कि भीख मंगा हमारा पूज्य हो गया उसके प्रति श्रद्धा है ऐसा नहीं है श्रद्धा उस कर्म में दान कर्म में श्रद्धा है ना अतएव आप उस कर्म के अनुरूप दान दे रहे हो आप दक्षिणा दे रहे हो नहीं तो क्या को देंगे। इसलिए कहते हैं यो ही यदा ही वह श्रद्धत्ते तदा अथ दक्षिणा ददाति श्रद्धाया गंगी एव दक्षिणा प्रतिष्ठिता इस श्रद्धा में ही दक्षिणा प्रतिष्ठित समझे और श्रद्धा किसे प्रतिष्ठित है कहते हृदय में प्रतिष्ठित है हृदय के द्वारे जानता है अपनी श्रद्धा को हृदय ही एव श्रद्धा प्रतिष्ठिता हृदय में श्रद्धा प्रतिष्ठित हुआ करती है एवमेव हेतद्याज्ञवल्क्य हे याज्ञवल्क्य आपने जो कथन किया इस विषय में बिल्कुल सही ही है। किन देवतास्याम दक्षिणायाम दिश्यसि पूर्वत पूर्वत या वाक्य सब समझना है। अच्छा दक्षिणायाम दिशि का देवता तब इसका दक्षिण दिशा में कौन सी देवता वाले होकर तुम रह रहे हो किस देवता का तुमने उपासना किया है क्योंकि उपासना करके तद देवता तादात में अपन्न होकर बोल रहा है याज्ञवल्क्य यम देवता इति यमो देवता मम दक्षिणा दिग्भूतस्य दक्षिण दिग्भूता यजमान यज्ञवल्क्य का देवता कौन है यमराज है स्वयं कसम प्रतिष्ठित वह यमराज किससे प्रतिष्ठित है यज्ञ इति यज्ञ कारणे प्रतिष्ठित यम सह दिशा दिशा सहित दक्षिण दिशा सहित यमराज जो है ना अपना कारणभूत यज्ञ में कर्म में प्रतिष्ठित होता है यज्ञ से लक्षित यहाँ लौकिक अलौकिक सकल कर्म जो कि आपको पुण्य और पाप प्रदान करने वाले हैं। कथम पर यज्ञ से कार्यम यम इत्युच्यते अरे यज्ञ का कार्य यमराज कैसे हो गया और यमराज का कारण यज्ञ कैसे हो गया ये कार्य कारण भाव कैसे आपने फिट बटा दी इत्युच्यते ऋतिक भी निष्पाई तो यज्ञ दक्षिणया यजमान तेभ्यो यज्ञ निष्क्रिय तेन यज्ञ दक्षिणाम दिशम सह यमेन अभिजयती क्योंकि यजमान दक्षिण दिशा को जीतता है तो कैसे जीतता है ऋतिक भी निष्पाई तो यज्ञ ऋतिक लोग मिलकर के यज्ञ को निष्पादन कर देते हैं यजमान को मंत्र भी पता नहीं वो कहीं कहीं कुछ यजमान से बुलवाना पड़ता है ना वो भी आधे आधे शब्द बोलने पड़ते हैं तब भी वो गलत उच्चारण कर देते हैं है कि नहीं तब भी गलत उच्चारण कर देते हैं ऐसे यजमान लोग स्वर्ग आदि कैसे प्राप्त करेंगे दक्षिणिया यज्ञों जो ऋतों के निष्पा जो यज्ञ है उसको दक्षिणा के द्वारा यजमान तेभ्य यज्ञ निष्क्रिय यजमान क्या करता है दक्षिणा को उन ऋत्विजों से यज्ञ को खरीद लेता है तेन यज्ञ न तादृश दक्षिणा के द्वारा कृत यज्ञ के माध्यम से दक्षिणाम दिशम सह यमेन विजयती यमराज के साथ में वह दक्षिण दिशा का मालिक हो जाते स्वामी हो जाते।
तेन यज्ञ यम कार्यता प्रसिद्ध सह दक्षिणया दिशा, इसलिए कह दिया गया यज्ञ में यमराज जी दिशा के सहित कार्य होने के नाते प्रतिष्ठित है। कस्मिन मैंने साक्षात कार्य कारण भाव नहीं है, परंपरा क्योंकि यज्ञ रूपी कारण है जिसको दक्षिणा से खरीद ले गया, अतएव उसको जो है तादृश कर्म के माध्यम से वो दक्षिण दिशा का अभिमानी हो जाता है, दक्षिण दिशा के लोगों का अधिकारी हो जाता है। अतः यमराज जी उसको सहायता देते हैं, भाई आप जैसे कर्म करोगे जिस दिशा में जाना चाहोगे उस दिशा के लोगों को साथ देते हैं, या नहीं आप जैसे यहां से टिकट ले लिए अब अधिकारी हो गए ना, अब आप यहां से मुंबई जाने का टिकट ले लेंगे तो आप अधिकारी हो गए मुंबई जाने का, आप रास्ते में कोई रोकेगा? कोई भी टीटी आवे, स्टेशन मास्टर, पुलिस, कोई भी आए, आपको क्या फर्क पड़ेगा? दिखाएंगे, देख टिक मार करेगा, हाथ जोड़ेगा, जाएगा, ठीक है साहब आप विराम करो, अवैध वन अधिकारी हो घुसो, पकड़ बाहर कर देंगे। इधर से यहां पर भी हमने जैसे हमने टिकट खरीदा, अब यजमान क्या करता है? कर्मकांड खरीदता है, कौन बेच रहा है? ऋतिक लोग बेच रहे, इसमें सरकारी आदमी बैठा है कंप्यूटर के सामने टिकट बेचने के लिए, यहां ऋतिक लोग बैठे हुए यज्ञ करते हैं, यज्ञ को बेचते हैं यजमान को, और यजमान दक्षिणा देकर के यज्ञ को खरीद रहा है। तब द्वारा क्या हुआ? आप टिकट खरीद के क्या करोगे? आरती थोड़े उतारोगे, उसके द्वारा आप अधिकारी हो गए, आप ही मानते मेरे को अब यहां अमुक जगह की यात्रा का अधिकार मिल गया है। इधर से यजमान यहां क्या सोचेगा? जैसे यज्ञ खरीदता है, जिस यज्ञ को खरीदा है उस यज्ञ का जो भी फल होगा वो निश्चय करके उस फल का मैं अधिकारी हूं। अब उस दिशा का जो भी देवता लोग है जो भी है वहां पर रूट में सब क्या करेंगे? आपका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, सम्मान पर आपको उस रास्ता दे देंगे। तद्वत यहां पर भी कहते हैं उस राष्ट्र के जितने देवता वगैरह हैं, इस दक्षिण दिशा का यमराज है तो यमराज जी आपको स्वागत करेंगे, क्योंकि यमराज जी स्वयं जीत चुके हैं और आप भी खरीद करके जीत गए उस दिशा को, इसलिए यमराज जी के साथ आप इस दिशा के अभिमानी हो जाएंगे, उस दिशा के समस्त जितने भी लोग हैं उनके उपभोक्ता बन जाएंगे। इसलिए कहते हैं हाँ यज्ञ निष्क्रिय तेन यज्ञ दक्षिणाम दिशम सह ये मेन अभिजयती तेन यज्ञ यम कार्य तत्पृष्ट सह दक्षिण दिशा, इसलिए कह दिया गया यज्ञ में यमराज जी कार्य होने के नाते प्रतिष्ठित हैं दक्षिण दिशा के साथ यज्ञ कार्यत्व तेना मैंने यज्ञ कार्य उक्त विधेया साक्षात नहीं है उक्त प्रक्रिया से वो अधिकारी हो गया अधिकारित्व कह दिया गया यमराज जी उसका कार्य है। कस्मिन यज्ञ प्रतिष्ठित दक्षिणायाम, इसलिए निश्चय हुआ यज्ञ किसे प्रतिष्ठित है? ऋत्विक आदि के पेट में नहीं, दक्षिणा में है सब कुछ, सब काम दक्षिणा, भजले साधु सीताराम जितना तंखा उतना काम, जैसा तंखा मिलेगा उतना तो काम करेंगे, ज्यादा क्यों करेगा? ऋत्विक भी ज्यादा क्यों करेंगे? जैसी दक्षिणा दोगे पंडित उतना ही आरती उतारेंगे, है ना? पहली बार धोखा भी खा लेते हैं पंडित लोग बेचारे, उन्हें पता नहीं कितना देने वाला है लाला, लाला चलता हम खूब बोलेंगे खूब गाएंगे खूब बढ़िया करेंगे तो जरूर लाला खूब देगा, और जो लाला नहीं दिया अगले बार जो समझ लेते इसको कितना मंत्र बोलना है इसके सामने, पंडित लोग उतनी ही बोलेंगे हाँ हो गए जल्दी हो गया ना, हाँ हो गया, सीधे पंडित खत्म कर देंगे, कुछ नहीं फिर डलवा देंगे, जैसा वो कहते हैं क्यों ऐसे किया जा रहा है यजमान, ऐसे ही हमें पता है 11 से ज्यादा देने वाला है नहीं, काय को हम चिल्लाएंगे 2 घंटे क्यों विधिवत कराएंगे इसे, जैसा दक्षिणा दे जितनी दक्षिणा उतनी विधि, कौन दक्षिणा देगा तो उस हिसाब से विधि बढ़ेगी थोड़ी, 101 देंगे तो और थोड़ा पूरा की ओर जाएंगे, जितना हम कहेंगे उतना देगा तो पूर्ण विधिवत करेंगे। तो यही संसार का नियम है ना, इसलिए कहते दक्षिणा में ही इसलिए कर्म प्रतिष्ठित होता है, विधियों में ही है, दक्षिणा में कर्म प्रतिष्ठित है, दक्षिणायाम दक्षिणाया से निष्क्रिय है, दक्षिणा के द्वारा ही स यज्ञ निष्क्रिय यज्ञ को लोगों ने खरीदते, इसे दक्षिणा में यज्ञ प्रतिष्ठित माननी पड़ेगी, ते दक्षिणा कार्यम यज्ञ, इसलिए दक्षिणा का कार्य यज्ञ समझो, कस्मिन दक्षिणा प्रतिष्ठिता इति श्रद्धायामिति, श्रद्धा में दक्षिणा प्रतिष्ठित है,
श्रद्धा नाम दित्सुत्वम आस्तिक बुद्धिर भक्ति सहिता। श्रद्धा क्या चीज है? दित्सुत्वम, देने की इच्छा, यही श्रद्धा है यहां पर। और देने की इच्छा किसमें हो सकती है? आसक्त बुद्धि, जिसमें आस्तिक की बुद्धि रहेगी वही देने की श्रद्धा करेगा। और भक्ति संहिता, श्रद्धा भक्ति संहिता आस्तिक की बुद्धि होती है। श्रद्धा जो है भक्ति सहित आस्तिक की बुद्धि, केवल आस्तिक की बुद्धि हो तो भी नहीं चलेगा। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया भगवान, बहुत बढ़िया आपका मंदिर, बहुत बढ़िया, बेचारे वो लगे रहते हैं सेठा के कार से देख करके ना, ये मंदिर मठ वाले क्या होते हैं, बड़े बढ़िया कार से आया है, बढ़िया कपड़ा पहन के आया हुआ है, तो आपको लेके पूरा घूमेंगे, ये ऐसा है ये वैसा, वो भी कहे हाँ बहुत बढ़िया आपकी व्यवस्था बहुत अच्छी है, रहेगा ठाट से, वो सोचेंगे आप 10,000 रुपए दक्षिणा दे जाएगा, आप यही सोच रहे हो ना, आपको और क्या मतलब है उसको घुमाने का, आप इसलिए घुमाते हो कि माल पानी देगा, और अपने वो हिसाब दूसरा किताब लगा रहा है, वो देखेगा हमको सुविधा उतनी बढ़िया मिलेगी, बढ़िया सुविधाएं दी आपने तो उसने खूब खाया पिया मौज किया और आज जाते जाते 5,000 दे दिया तो आप दुखी हो जाओ, और रखेगा हमारी कमरा बना दो तब बड़े खुश हो जाओगे, ये नहीं सोचेंगे ये तो अपना खरीद लिया हमको नौकर बना लिया, इसने तो नौकर बना लिया, किसी ने आपको एक कमरा बनाने के लिए दिया 1,00,000 का मतलब ये समझिए आप उसके फ्री फंड के नौकर हो गए, बिना तनख्वाह का नौकरी करनी पड़ेगी जिंदगी भर, बिना तनख्वाह का। फोन करेगा महाराज मैं आ रहा हूं, ठीक है भाई सफाई करो मेंटेन करो देखो बिस्तर खाना पीना सब व्यवस्था करना पड़ता है ना आश्रमों में, खरीद लिया कि नहीं उसने आप, लेकिन आदमी सोचता ना ये पैसा का भूखा है दक्षिणायाम, ये दक्षिणा का भूखा है, अब सेवा की जरूरत उसको है, परस्परम भाव इन तक काम चल रहा है, इसलिए तो कसम दक्षिणा पड़े श्रद्धायाम, कैसी श्रद्धा? आस्ति की बुद्धि भक्ति सहित, तभी दान होता, नहीं तो दान कर ही नहीं सकता आदमी, स्वार्थ से करेगा ना, दान में होता क्या है, दे दिया फिर उसके बाद उसका लाभ नहीं उठाना, दिया तो दिया फिर क्या लाभ उठाना उसका, अपने भी यहां गौ दान कराए, अब वो आज हफ्ता भर आते रहा थोड़ा दूध ले लीजिए, आपने हम इतना बड़ा गाय दिला दिया हम कमाएंगे हम तो बड़े बनेंगे, आप आधा लीटर ले लो, कल 1 लीटर बोला फिर आधा लीटर पे आया, 1 पाव तो ले लो, चलिए वहां आ तो जाइए देख तो लीजिए, वहां पहुंचूंगा तो पिलाना चाहता था, न वहां तेरे यहां जाऊंगा न तो यहां लाना दूध, हमने दिया नहीं दिलाया है अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए, तो अपना मौज कर, लोग करते क्या है पीछे स्वार्थ अपना खींचते, कमीशन कमीशन में 2-4 लीटर देना चाहिए ना हमसे हफ्ता भर, यही लोग सोचेंगे, लेकिन वो वास्तविक दान नहीं होता, दान करना या कराने का मतलब है किया या कराया आपने उस कृत कार्य से कोई अपेक्षा नहीं होती, तब जाके माना जाएगा कि हाँ भाई आपने दान किया या ध्यान कराया, इसलिए कहते हैं वो कब हो सकता है जब भक्ति हो, यदि भक्ति नहीं है उसमें स्वार्थ जरूर जग जाता है, इसलिए कहते हैं भक्ति सहिता आस्ति की बुद्धि दिक्षुत्तम श्रद्धा नाम अवस्थो कथम तस्याम प्रतिष्ठिता दक्षिणा, तादृश श्रद्धा में दक्षिणा कैसे प्रतिष्ठित है, यस्मात यदा एव श्रद्धत्ते अद दक्षिणाम ददाति, क्योंकि जब पुरुष में श्रद्धा जगती है तभी वह दक्षिणा देने की इच्छा करता है, ना श्रद्धा दक्षिणाम ददाति, अश्रद्धा के बिना कोई दक्षिणा दे नहीं सकता है, तस्मात श्रद्धायम ही एव दक्षिणा प्रश्नित इति, इसे श्रद्धा में ही दक्षिणा प्रश्नित सिद्ध हुआ, तस्मिन् श्रद्धा प्रश्नित इति, श्रद्धा किसे प्रतिष्ठित है, हृदये इति होवाच, हृदय में प्रतिष्ठित, हृदय से वृत्ति श्रद्धा, कि हृदय का एक वृत्ति विशेष का नाम श्रद्धा, अंतकर्ण से निस्सरित होते हुए विभिन्न प्रकार की वृत्तियां, उनमें से उत्कृष्ट वृत्तियों में से एक वृत्ति का नाम श्रद्धा है, सभी का इसलिए आश्रय हृदय ही, हृदय के अलावा कोई दूसरा, अंतकर्ण के अलावा दूसरा कहां है, सारी वृत्तियां अंतकर्ण से ही निकलती है,
इसे सकल प्रकार की वृत्तियों का आधार कारण कौन है? हृदय ही है। इसे हृदय में ही सारी वृत्तियां प्रतिष्ठित है, अतएव श्रद्धा भी हृदय में ही प्रतिष्ठित है। वृत्तिश्च वृत्तिमति प्रतिष्ठिता भवति, और सामान्य बात है ये, वृत्ति तो वृत्तिमति में जरूर रहेगा। तस्मात इसलिए हृदय ही एवं श्रद्धा प्रतिष्ठिता भवति, त्वमेव एतद् याज्ञवल्क्य। इसलिए हृदय में ही श्रद्धा प्रतिष्ठित है, तब शाकले कहते हैं याज्ञवल्क्य ठीक है, आपने जो बताया इस दिशा के बारे में भी आपको सम्यक ज्ञान है, ये अब मैं मान लिया। किम देव दस्याम प्रतीक्षा दिश्यसी थी वरुण देव दी स वरुण कसन प्रतिष्ठित अप्स्मिति कसन आप प्रतिष्ठिता रेतसी कस्मिन् रेत प्रतिष्ठितमिति हृदय इति तस्माद् प्रतिरूपं जातं माहु हृदयादिव सृप्तो हृदयादिव निर्मित इति हृदय ही एव रेत प्रतिष्ठितं भवति इति एवं मे वैतद्याज्यवल्क्य। किं देव तस्यां प्रतीक्षां दिशसि, इस पश्चिम दिशा की ओर अभिमुख होकर के आप याज्ञवल्क्य किस देवता की उपासना करता हुआ, किस देवता के साथ तादात्म्य भाव उत्पन्न होकर के इस समय पश्चिम दिशा के अभिमानी दक्षिण दिशा का जो है मालिक होकर बैठे हुए हो, दक्षिण दिशा का स्वरूप को पश्चिम दिशा के स्वरूप को प्राप्त किए हुए हो, वह देवता कौन है आप बताइए। तसरे वरुण देव तो अहम अस्मी, मैं वरुण देवता तादात्म्य अपन होकर के समय में रह रहा हूं। वरुण देवता किससे प्रतिष्ठित है? अपस्विति जल में प्रतिष्ठित है। जल किसे प्रतिष्ठित है? रेत में, वीर में प्रतिष्ठित है। वीर कहां प्रतिष्ठित है? हृदय में प्रतिष्ठित। तस्माद प्रतिरूपम जातम और हृदयादि वसृप्त हुई थी, इसलिए प्रतिरूप जब पुत्र जन्म आदि हो जाता है, लोग कहते हृदय से सीधा टपका हुआ है, हृदय से ये निर्मित कर दिया गया है। यदि हृदय ही है और एत प्रतिष्ठितम, इसे हृदय में ही इसका वीर प्रतिष्ठित है, अतएव हृदय में सारा चीज स्थित होगी। याज्ञवल्क्य हे याज्ञवल्क्य ठीक आपने बताया, जो बताया पर्याय भी उचित ही है। किन देवता अस्याम प्रतीक्षा दिशसि, इस प्रचित दिशा में कौन सी देवता तादत्व आपान होकर के आप रह रहे हैं? तस्याम वरुणो अधिदेवता मम, कहते प्राची दिशा में नहीं, प्रतीची दिशा में, पश्चिम दिशा में मैं वरुण देवता वाला होकर के रह रहा हूँ। मेरा उपास्य देवता कौन है? वरुण देवता है, मैं वरुण देवता वाला होकर के रह रहा हूँ। स वरुण कसम प्रतिष्ठित अपस्वी, वह वरुण किस प्रतिष्ठित है? कहे जल में प्रतिष्ठित है। अपामी वरुण कार्यम, इनकी जल वरुण देवता की कृपा से होने वाली वस्तु होने से वरुणों का कार्य है। कारणे च कार्यम प्रतिष्ठितम भवति, कारण में कार्य प्रतिष्ठित होता है, अतएव जल वरुण में प्रतिष्ठित सिद्ध हो गया। वरुण कसम प्रतिष्ठित अपस्वीति, अपामी वरुण कार्यम, कि जल अभिमानी देवता जो है किसका कार्य? जल का ही कार्य है, इसको उसे जलीय शरीर मिलेगा ना। इसे पार्थिव कार्य क्या होगा? पार्थिव शरीर। हमारा शरीर किसका हो गया? पृथ्वी का कार्य हो गया। इसे वरुण का शरीर कहाँ जाएगा? जलीय होने के नाते जल का कार्य है, अतः जल उसका कारण हो गया। अतः वरुण देवता किसे प्रतिष्ठित है? जल में प्रतिष्ठित सिद्ध हो गया। अपाम वरुण कार्य, जल का कार्य वरुण है। श्रद्धा व आप, श्रद्धा तो वरुण मसृजत श्रद्धा है, श्रद्धा ही जल है कार्य। अपाम निर्मलानंद रशनी ना स्नान आचमनादि श्रद्धा जागृत, निर्मल जल को देखते हो या आप जानते हो पवित्र जल है तो उसके दर्शन मात्र से आपको आचमन करने का, स्नान करने का वगैरह इच्छा हो जाता है। आप समझते गंगा है, सुनते ही आस्तिक की बुद्धि वाले हिंदू के अंदर उसके प्रति विशेष श्रद्धा जागरूक हो जाता है। कोई भी स्वच्छ जल है आपको अच्छा लगता, उसके प्रति एक विश्वास जगता है, श्रद्धा होती है, उसको पी लेंगे स्वाभिन्न कर लेते हो, और नाले का जल दिखाई दे रहा है तो वो गंदा है ना, नाली में बह रहा है, तो उसमें आपके अंदर उसके प्रति श्रद्धा जागरूक नहीं आते, उसको आप सेवन नहीं करते। इसे जल, निर्मल जल को देखते ही आगे श्रद्धा जो जगती है, अतः श्रद्धा जल का स्वरूप है कह दिया, और श्रद्धा से ही वरुण मसृजत, श्रद्धा रूपी जल से वरुण की उत्पत्ति हुई है ऐसा श्रुति कहती है।
कस्मिन् आप प्रतिष्ठा है, वह जल किस प्रतिष्ठा है? रेतसी थी, प्रजापति रेतसी इत्यर्थ, पिता का वीर्य में ही समझना, रेत से ही आप सृष्टा है, श्रुत है कि रेत से ही जल की सृष्टि हुई, ऐसा श्रुति ने भी कहा है। कस्मिन् रेत प्रतिष्ठितम इति, वह रेत भी किस प्रतिष्ठित है? हृदय थी, इसमें हृदय से कार्यम रेत, हृदय का कार्य रेते, कामो हृदय से वृत्ति, काम हृदय रेतो अधिस्कंदति, काम क्या है? हृदय का एक वृत्ति विशेष है, अतएव काम रूपी वृत्ति से विशिष्ट जो हृदय, कामी का हृदय, वह कामी का हृदय से ही रेत का स्कंदन होता है, रेत बहता है, रेत निकलता है। जब तक हृदय से भावना नहीं करेगा तो रेत निकलेगा नहीं। हृदय से भावना जो होता है कि मैं पैदा करूं, गर्भाधान करूं, हाँ, तभी जाकर के वो वीर्य स्खलित होता है, नहीं तो नहीं हो सकता। हृदयात कामिनो हृदयात, इसलिए सामान्य हृदय से नहीं, कामिनो हृदयात रेतो अधिस्कंदति, तस्मादपि काम हृदय पंचमी समानाधिकरण में, तस्माद प्रतिरूपम अनुरूपम पुत्रम जातम और लौकिका, इसलिए तो हृदय से उत्पन्न हुआ ना, हृदय का कार्य है ना, अतएव लोग भी कहते हैं भाई इसने तो अपना प्रतिरूप अपने अनुरूप पुत्र को उत्पन्न किया है, ऐसे लोक में लोग कहते हैं। अस्य पितुः हृदयात इव अयम पुत्र सृप्त, मानो मैं एक तरह से पिता के हृदय से सीधा पुत्र निकल पड़ा है, हृदयात इव इसलिए कह दिया क्योंकि पिता के हृदय से निकलता कोई देखा नहीं, पुत्र पैदा होता हुआ है ना, इसलिए इव कहना पड़ता है क्योंकि भावना प्रधान है। पिता का हृदयात इव अयम पुत्र सृप्त विनिसृत हृदय हृदय इव निर्मित, हृदय से मन निर्माण कर दिया उसने, यथा स्वर्ण निर्मित कुंडल, जैसे स्वर्ण से कुंडल निर्मित होता है, वह पिता भी स्व भिन्न स्वरूप विद्यमान वीर्य को दूसरे में आधान करके स्व स्वानुरूप ही स्व प्रतिरूप ही स्व भिन्नत्व पुत्र को उत्पन्न कर देता है। तस्मात हृदय ही वरेत प्रतिष्ठितम, इसीलिए हृदय में ही यह वीर प्रतिष्ठित है, वीरेत प्रतिष्ठ समझो। बिल्कुल यह दिशा का बंध में आपने जो कहा, इसकी देवता, इसकी प्रतिष्ठा, कार्य कारण भाव वगैरह बिल्कुल आपने सही सही बताया है। किम देवतस्याम उदिच्याम दिश्यसीति सोम देवता इति स सोम कस्मिन् प्रतिष्ठित इति दीक्षायाम इति कस्मिन् दीक्षा प्रतिष्ठिता इति सत्य इति तस्मादपि दीक्षितं माहो सत्यं वदैति सत्य ही एव दीक्षा प्रसिद्धा इति कस्मिन् सत्यं प्रसिद्धम् इति हृदये इति होवाच हृदयेन हि सत्यं जानाति हृदये हि एव सत्यं प्रसिद्धं भवति इति एवं एव इत्याज्यवल्क्य आते हैं। उत्तर दिशा आया किं देवतस्याम उदिच्छाम दिशसि, इस उत्तर दिशा में आप कौन सी देवता तादात ज्ञापन होकर स्वाभिन्न होता हुआ उत्तर दिशा का विमान करके रह रहे हो? तेरे सोम देवता है, चंद्रमाई देवता है हमारा यहाँ। स सोम कसिन प्रसिद्ध है, सोम किसे प्रसिद्ध है? दीक्षा में, और दीक्षा किसे प्रसिद्ध है? सत्य में। अतएव जो दीक्षित लोगों को कहा जाता है तुम सत्य बोलो, दीक्षा अनेक प्रकार की है ना, एक तरह से दीक्षित वहां पर कोर्ट में जाते क्या करते हैं, रामायण गीता कुरान जो भी मुसलमान तो कुरान ईसाई हो तो बाइबल उसे हाथ करके बोलो मैं सत्य बोलूंगा, एक तरह दीक्षित कर लिया ना उन्होंने, प्रतिज्ञा जो कराया वही दीक्षा है। दीक्षा और कोई अलग चीज नहीं, कोई देने की चीज है, आपसे हमने एक वचन की प्रतिज्ञा ले ली, बस यही दीक्षा है। हमने आपको क्या दीक्षा दी? हमने क्या दिया? कुछ नहीं दिया, लेकिन आपको फंसा लिया, वही दीक्षा हो। दीक्षा में करता क्या है? गुरु के सामने पी कहते आज से मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थापित रहूंगा, ब्रह्मचर्य दीक्षा लेगा तो सन्यास दीक्षा लो यही कहेगा, आज से मैं सन्यास धर्म का पालन करूंगा, मैं इस मंत्र का जप करूंगा, इस मंत्र ये करूंगा वो, उसका जो भी है यही दीक्षा हो। और आप कहते हमको दीक्षा मिल गया,
क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा को हमने स्वीकार कर लिया, इसलिए आप कह देते हो आपसे हमको दीक्षा मिल गया है। लाल कपड़ा भी आप ही लाते हैं, हम उसको क्यों छू के दे देते हैं? और क्या क्या, इसलिए हमने देखा जब देना इसमें कुछ होता ही नहीं है, फिर हम क्यों दे? देने की बात झूठा है फिर तो। लोग हमसे पूछे आप दीक्षा दीजिए, बोलते मैं दे नहीं सकता, दीक्षा तो लेने की चीज होती है, देने की है ही नहीं, तो क्यों मैं कैसे दूं? इसलिए मैं दीक्षा देता ही नहीं, मंत्र दीक्षा भी नहीं दे सकता, तो भी लेने का ही होता उसमें भी। मंत्र तो पूरे पहले से अनादिकाल से विद्यमान है ग्रंथों में, लेकिन उसकी दीक्षा का मतलब क्या? ये कि आपने प्रतिज्ञा किया कि आज से मैं जो भी मंत्र आप बताएंगे उसको नियमित रूप से जपूंगा, उस नियम जप के जप का नियम जो भी है तत्संबंधी आप जो बताएंगे वो सब मैं पालन करूंगा। ये तो है ना, जब माला पहनाते हैं, मंत्र देते हैं, कसम खवाते कि नहीं? कुछ कुछ बातें एकादशी करूंगा, बोलो कसम खवा लिया उसे, प्यास रसों से नहीं खाऊंगा, दारू नहीं पीऊंगा, सिगरेट बीड़ी नहीं पीऊंगा, बेचारा सारा प्रतिज्ञा कर दे जाता है। तब आप बोलते हो बोल ओम नमो नारायण जा, यही मंत्र दे रहा ओम नमः शिवाय, ये बोलते रहे लिया उससे तुमने इतना सारा और दिया उसको छोटा सा ओम नमः शिवाय, दिया क्या? वो भी तेरा थोड़ी था, उसे शास्त्रों का चीज है, वो तो फिर उसने उसको बता दिया तुम्हें कर लेना। अभी से वो लोग दीक्षा खा देते, हम तो हमारे दृष्टिकोण से तो लिया ही जाता, दिया कुछ नहीं जाता है, केवल थोड़ा बता दिया है। जैसे ट्रैफिक पुलिस नहीं होता है, वही काम करते गुरुओं का काम, जो दीक्षा देने वाले गुरु होते हैं वो तो देते क्या है, वैसे ट्रैफिक पुलिस का काम कर रहे, गाड़ी इधर से आई है कहाँ जाना है वो भी आप ही बताते हो, गाड़ी लेफ्ट को जाएगा राइट को जाएगा आप पुलिस अपने आप बता देगा, आप लाइट से इशारा कर देते हैं, हाथ से इशारा करते उसके साथ है बोल देता है, ट्रैफिक पुलिस करता क्या? आजकल गुरु लोग भी यही पूछते हैं तुमको कौन सा देवता इष्ट है बताओ, तो आपने उसे बता दिया मुझे कृष्ण इष्ट है तो कृष्ण का नाम मंत्र दे दिया, अरे राम इष्ट है राम का मंत्र दे दिया, इसका मतलब क्या? आप राइट और लेफ्ट आपने बोला और उसे क्या ट्रैफिक पुलिस काम कर दे, ओके गो टू राइट। अरे आज तो विचार करके देखता हूं तो कुछ नहीं दिखता है इसमें, क्या दीक्षा है? पहले जमाने में हुआ करता था, जब गुरु लोग जानते थे देखते समझते चिड़ा क्या है, ये कहां तक पहुंचा हुआ है और जो कौन चीज देने पर ये वहां से आगे बढ़ सकता है, वो आजकल गुरु में सामर्थ्य है ही नहीं, इसलिए हम तो सीधे कहते आजकल गुरु लोग तो ट्रैफिक पुलिस का काम कर रहे हैं, ये आध्यात्मिक ट्रैफिक पुलिस है, इतना ही फर्क है, और रोड का ट्रैफिक पुलिस है, ये भी तो ट्रैफिक है, भेड़ बकरी की भीड़ आ रही है संसार से, कोई राम के पास कोई कृष्ण के पास कोई क्या जो है देवी का कोई किसका नाम लेके चलना चाह रहा है, इस भीड़ को संभाल लिया उसने। इसे दीक्षा में लिया जाता है, यहां भी यही है, उसको कहते सत्यम वत, बोलो प्रतिज्ञा तुमने दीक्षा ली है, यज्ञ में दीक्षा ले लिया, इसका मतलब क्या? मैं ये अमुक यज्ञ करूंगा जब तक तब तक मैं सत्य बोलूंगा, दाढ़ी मुछ नहीं काटूंगा, ये तो होता है ना सब, जब कर्मकांड में व्यक्ति दीक्षित होता है नाखून नहीं काट सकता, मुंडन नहीं कर सकता, ये सब नियम है, वही दीक्षा और कुछ नहीं। दीक्षित होने का मतलब ये सब नियमों को स्वीकार कर लेना, इसे कहते हैं वह दीक्षा भी किसे प्रसिद्ध है? सत्य में प्रतिष्ठित है, यदि तस्माद दीक्षित माहो, इसे दीक्षित पुरुष को लोग क्या कहते हैं? सत्यम वद, तुम सत्य बोलो, तभी तुम्हारी यह दीक्षा सफल होगा, तुम्हारा नियम तभी सफल होगा, जिस नियमों को स्वीकार कर रहे हो वह सत्य का पालन करोगे तभी होगा, सत्य ये दीक्षा प्रतिष्ठित, इस सत्य में ही दीक्षा प्रतिष्ठित है, कस्मिन सत्यम प्रतिष्ठितम इति, किसमें सत्य प्रतिष्ठित है? हृदये इति हो वाच, हृदय में प्रतिष्ठित है, क्योंकि हृदय नहीं सत्यम जानाति, हृदय एव सत्यम प्रतिष्ठितम, हृदय से ही सत्य को जानता है असत्य को जानता है, और हृदय से इसलिए हृदय में ही सत्य प्रतिष्ठित है। तो शाकल कहते हे मेव यज्ञवल्क्य, हे यज्ञवल्क्य ठीक कहते हो तुम, ऐसा ही है यह दिशा, किन देव तस्याम उदिच्याम दिशसी सोम देवता इति, कौन सी देवता से ताजा तापन होकर के भिन्न होकर के तुम स्वर दिशा का अभिमान कर रहे हो,
ಪೂಜನೆಯವರೆಗೆ ಸೋಮದೇವತೆ ಇದೆ, ಸೋಮದೇವತಾ ಸೋಮತಿ ಲತಾಂ ಸೋಮದೇವತಾಂಚಿಕಿ ಕೃತಿ ನಿರ್ದೇಶ. ಯಜ್ಞ ಮೇ ಸೋಮಯಾಗ ಮೇ ಸೋಮಲತಾ ಹೋತಿ ಹೈ ಔರ್ ಇಸ್ಕಾ ಅಭಿಮಾನಿ ಭೀ ಚಂದ್ರಮಾ ಹೀ ಹೈ. ಇಸೇ ಚಂದ್ರ ಕೆ ಹೀ ಜೋ ಹೈ ತಿಥಿಯೋ ಕೆ ಆಧಾರ ಪರ್ ಸೋಮಲತಾ ಕಾ ಪಹಚಾನ್ ಹೋತಾ ಹೈ. ಸೋಮಲತಾ ಕಿ ಯಹೀ ವಿಶೇಷತಾ ಹೋತಿ ಹೈ ಕಿ ಜೈಸೆ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಬಢತಾ ಹೈ ಉಸೇ ಪತ್ತೋ ಕಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಬಢತಿ ಹೈ. ಹರ್ ಏಕ ದಿನ ಕೆ ನಯಾ ಪತ್ತಾ ಆಯೇಗಾ, 15 ಪತ್ತೆ ಹೋತೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ತಕ್, ಫಿರ್ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಹೋತೆ ಹೋತೆ ಸಾರೆ ಪತ್ತೆ ಝಡತೆ ಜಾಯೆಂಗೆ, ಖತಮ್ ಹೋ ಜಾಯೇಗಾ. ಅದೇ ಸೋಮಲತಾ ಕಾ ಚಂದ್ರಮಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಂಬಂಧ ಹೈ. ಇಸೇ ಸೋಮ ಸೇ ಸೋಮಲತಾ ತದ ಅಭಿಮಾನಿ ಜೋ ತದ ಭಿನ್ನ ಸೋಮ ದೇವತಾ ಸೋಮ ಹೀತಿ ಲತಾಂ ಸೋಮ ದೇವತಾಂಚ ಏಕಿ ಕೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶ ಸ ಸೋಮ ಕಸಂದೃಷ್ಟಿತ ಇತಿ ವ ಸೋಮ ಕಿಸ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೈ ದೀಕ್ಷಾಯಾಮ್ ಇತಿ. ದೀಕ್ಷಿತೋ ಹಿ ಯಜಮಾನ ಸೋಮಂ ಕ್ರೀಣಾತಿ, ಕ್ಯೋಂಕಿ ದೀಕ್ಷಿತ ಜೋ ಯಜಮಾನತಾ ಹೈ ವಹಿ ಸೋಮ ಕಾ ಕ್ರಯಣ ಕರ್ಕೆ ಸೋಮ ಯಾಗ ಭೀ ಕರ್ತಾ ಹೈ. ಕೃತೇನ ಸೋಮನಿಷ್ಟ್ವಾ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಉತ್ತರಾಂ ದಿಶಂ ಪ್ರತಿಪದತೆ, ಕೃತ್ ಸೋಮ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಯಜನ್ ಭೀ ಕರ್ತಾ ಹೈ ಔರ್ ಉಪಾಸನಾ ವಾಲಾ ಹೋನೆ ಕೆ ಕಾರಣ ಸೇ ವಹ ಉತ್ತರಾಯಣ ಮಾರ್ಗ ಕಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ ಔರ್ ಚಂದ್ರಲೋಕಾದಿ ಕೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ತಾ ಹೈ. ಉತ್ತರಾಂ ದಿಶಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೆ ಸೋಮ ದೇವತಾ ಅಧಿಷ್ಠಿತಾಂ ಸೌಮ್ಯಂ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಸೋಮ ದೇವತಾ ಸಿಷ್ಟೋ ಸೌಮ್ಯ ದಿಶಾ ಕೋ ವಹ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ ಲೇತಾ ಹೈ. ಕಸ್ಮಿನ ದೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಐತಿ, ದೀಕ್ಷಾ ಕಿಸ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಹೈ ಸತ್ಯ ಇತಿ. ಕಥಂ ಯಸ್ಮಾ ಸತ್ಯ ದೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಶಿತ ತಸ್ಮಾದಪಿ, ಜಿಸ್ಲೇ ಸತ್ಯ ಮೇ ದೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಶಿತ ಹೈ ತಸ್ಮಾದ್ ಏವ ಅಪಿ ಅರ್ಥ ಏವ ಅರ್ಥ ತಸ್ಮಾದ್ ಏವ ದೀಕ್ಷಿತಂ ಪ್ರತ್ಯಾಹೋ. ದೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರತಿ ಲೋಗ ಅನ್ಯ ಪಂಡಿತ ಲೋಕ ಕಹತೆ ಹೈ ಸತ್ಯಂ ವದೈದಿ. ಕ್ಯೋ ಕಹತೆ ಹೈ ಕಿ ಕಾರಣ ಭ್ರೇಷೆ ಕಾರ್ಯ ಭ್ರೇಷಂ ಮಾ ಭವತ್, ಇದೆ ಕಾರಣ ಕಾ ನಾಶ ಹೋ ಜಾಯೆ. ಅರ್ಥ ಕಾರಣ ಕೋಣ ಹೈ ಸತ್ಯ, ಆಪನೆ ಅಸತ್ಯ ಬೋಲಾ ಸತ್ಯ ರೂಪಿ ಕಾರಣ ಜೋ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವೋ ನಷ್ಟ ಹೋ ಜಾಯೆ. ಜಬ ನಷ್ಟ ಹೋ ಗಯಾ ಮತಲಬ ಕ್ಯಾ, ವೈಸೆ ಕಾರ್ಯ ಪರ ದೀಕ್ಷಾ ನಷ್ಟ ಹುವಾ, ದೀಕ್ಷಾ ನಷ್ಟ ಹುವಾ ಮನೆ ವಹ ಯಜ್ಞ ವ ಕರ್ಮ ಹಿ ನಷ್ಟ ಹೋ ಜಾಯೆ. ಇಸಲಿಯೆ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಪಂಡಿತ ಲೋಕ ಕಹತೆ ಜೋ ದೀಕ್ಷಿತ ಯಜಮಾನ್ ಕೋ ತುಮ್ ಸತ್ಯ ಬೋಲೋ. ಕಸ್ಮಿನ ಸತ್ಯಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ಇತಿ, ಕಿಸ್ಮೇ ವ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೈ ಸತ್ಯ ಕದಂ ಯಸ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಭ್ರೇಷಂ ಮಾಭೂತ್ ಇತಿ ಸತ್ಯ ಏವ ದೀಕ್ಷಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇತಿ. ಸತ್ಯ ಮೇ ಹಿ ಇಸಲಿಯೆ ದೀಕ್ಷಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ, ದೀಕ್ಷಾ ಭೀ ಕಿಸೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸತ್ಯ ಭೀ ಕಿಸೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೈ, ಕಸ್ಮಿನ ಸತ್ಯಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ಇತಿ ಹೃದಯೇತಿ ಹೋವಾಚ, ಹೃದಯ ಮೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೈ. ಕ್ಯೋ ಕ್ಯೋಂಕಿ ಹೃದಯೇನೇ ಸತ್ಯಂ ಜಾನಾತಿ, ಬಾಹರ್ ಸೇ ಥೋಡೆ ಜಾನೇಗಾ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಹೃದಯ ಸೇ ಜಾನೇಗಾ. ಜೋ ಚೀಜ್ ಜೈಸಾ ದೇಖಾ ಉಸೇ ವಿವೇಕ್ ಕರ್ನಾ ಪಡ್ತಾ ಹೈ, ಸೋಚನಾ ಸಮಜನಾ ಪಡ್ತಾ ಹೈ, ಸತ್ಯ ಬೋಲ್ನೆ ಸೇ ಪಹಲೆ. ಜೈಸಾ ದೇಖಾ ವೈಸಾ ಬೋಲ್ನಾ ವೋ ಸತ್ಯ ನಹೀ ಹೋತಾ ಹೈ, ಜೈಸಾ ದೇಖಾ ವೈಸಾ ಬೋಲಾ ಯೇ ಸತ್ಯ ನಹೀ ಹೈ. ಯದಿ ಉಸ್ಸೇ ಸಮಾಜ ಕಾ ಹಾನಿ ಹೋ, ಬಡೋಂ ಕಾ ಹಾನಿ ಹೋ, ತಬ್ ವೋ ಸತ್ಯ ನಹೀ ಮಾನಾ ಗಯಾ, ಪಾಪ ಕಾ ಕಾರಣ ಹೋ ಗಯಾ. ಇಸೇ ತಾ ನಾ ಗಾಯ ಕಾ ದೃಷ್ಟಾಂತ ದಿಯಾ ಹೈ, ಜೋ ಚೋರ್ ಲೋಗ್ ಆತೇ ಹೈ ಔರ್ ಗಾಯ ಭಾಗ ಜಾತಿ ಹೈ ಪಿಛಲಿ ದಿಶಾ ಕಿ ಓರ್, ಔರ್ ವೋ ಸೋಚಾ ಯದಿ ಮೈ ಸತ್ಯ ಬೋಲೂ ಇಸ್ ಸಮಯ ಯಥಾ ದೇಖಾ ವೈಸಾ ಹಿ ಬೋಲ್ನಾ ಸತ್ಯ ಮಾನ್ ಕರ್ ಯದಿ ಬೋಲ್ ದೇತಾ ತೋ ಗೋ ಹತ್ಯಾ ಕಾ ಕಾರಣ ಬನ್ ಜಾಯೇಗಾ. ಔರ್ ಜೈಸೆ ದೇಖೋ ವೈಸೆ ನಹೀ ಬೋಲಾ, ಬೋಲಾ ಝೂಟ್ ಲೌಕಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯ, ಲೇಕಿನ್ ವೋ ಭೀ ಸತ್ಯ ಹೈ ಕಿ ಗೋ ಹತ್ಯಾ ಸೇ ರಕ್ಷಾ ಹೋ ಗಯಾ, ಗೋ ಕೆ ಪ್ರಾಣೋ ಕಿ ರಕ್ಷಾ ಹೋ ಗಯೀ, ಗೋ ಹತ್ಯೆ ರೂಪೇ ಪಾಪ ಸೇ ಉನ್ಕೋ ರಕ್ಷಿತ ಕಿಯಾ ಹೈ ಉಸ್ನೆ, ಇಸ್ ತರಹ ಡಬಲ್ ಪುಣ್ಯ ಹೋ ಗಯಾ, ಏಕ್ ಝೂಟ್ ದೋ ಪುಣ್ಯ ದೇ ರಹಾ ಹೈ, ಕಮಾಲ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೈ ನಹೀ. ಬೋಲಾ ಉಸ್ನೆ ಲೌಕಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯ ತೋ ಝೂಟ್ ಬೋಲಾ ಹೈ, ಉತ್ತರ ದಿಶಾ ಕಿ ಓರ್ ಗಯಾ ಕರ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಶಾ ಕಿ ಓರ್ ಗಯಾ, ಉಸ್ಕೋ ಉತ್ತರ ದಿಶಾ ಬೋಲ್ ದಿಯಾ. ಆಪ್ ತೋ ಕಹೇಗೆ ಝೂಟ್ ಬೋಲಾ ಋಷಿ ನೇ, ಇನ್ನೇ ಅಮರಾಜ್ ಜಿ ಕಹತೆ ಇಸೇ ಬಡಿಯಾ ಕೋಯ್ ಸತ್ಯ ನಹೀ. ಕ್ಯೋ ಇಸ್ ತರಹ ಗೌ ಕಿ ರಕ್ಷಾ ಕಿ ಹೈ ಔರ್ ಅಗಲೋಂ ಕೋ ಪಾಪ ಸೇ ಬಚಾಯಾ ಹೈ. ಆಪ್ ಕಹೋಗೆ ಮಹಾರಾಜ ತೋ ಭೂಕೆ ಥೇ, ಗೌ ಕೋ ಮಾರ್ಕೆ ಕಾಟ್ ಕೆ ಖಾ ಜಾತೆ, ಅರೆ ಭೂಕೆ ತೋ ಥೇ ನಾ, ಕುಚ ಔರ್ ಕೋ ಕಾಟ್ ಕೆ ಖಾಯೇಗಾ, ಕೋಯ್ ಜರೂರ್ ಕ್ಯಾ ಖಾಯೇ ಕೋಯ್, ಜಿಸ್ ದಿಶಾ ಕಿ ಓರ್ ಆಪ್ನೇ ಭೇಜಾ ಹೈ ವಹಾಂ ಕುಚ ಔರ್ ಮಿಲೇಗಾ ಉಸ್ಕೋ, ಔರ್ ಸೇ ಲಡಾಟೆ ಭೂಕಾ ಹೀ ಮರ್ನಾ ಹೈ ತೋ ಮರೇಗಾ, ಉಸ್ ಋಷಿ ಕಾ ಕೋಯ್ ದೋಷ ನಹೀ, ಉಸ್ಕಾ ಅಪ್ನಾ ಕರ್ಮ ಫಲ್ ಹೈ ವೋ, ಋಷಿ ನೇ ಬಲ್ಕಿ ಉಸೇ ಪಾಪ ಕರ್ತಾ ಹೋಗಾ ಪಾಪ ಸೇ ಬಚಾ ಹೈ. ಇಸರೆ ವಾ ಝೂಟ್ ಭೀ ಸತ್ಯ ವಚನ ಹೋ ಗಯಾ, ದೋ ಪುಣ್ಯ ಕಾ ಕಾರಕ ಹೋ ಗಯಾ, ಔರ್ ಜೈಸೆ ದೇಖಾ ವೈಸೆ ಕಹ ದೇತೆ ವ ಸತ್ಯ ಉಸಿಲ ಪಾಪ ಕೆ ಕಾರಣ ಸೇ ಸತ್ಯ ಭೀ ಝೂಟ್ ಹೋ ಜಾತಾ. ಇಸೇ ಜೈಸೆ ದೇಖಾ ವೈಸೆ ಕಥನ ಕರ್ನಾ ಸತ್ಯ ನಹೀ, ಇಸೇ ಕಹತೆ ಸತ್ಯ ಕಹಾಂ ಹೈ ಆಂಖೋ ಮೇ ನಹೀ, ಸತ್ಯ ಹೃದಯ ಮೇ, ಜೋ ಆಂಖ ಸೇ ದೇಖಾ ಹೈ ಪಹಲೆ ಹೃದಯ ಮೇ ಉಸ್ಕೋ ಲಾವೋ, ಹೃದಯ ಮೇ ವಿಚಾರ ಕರೋ, ಯೇ ಜೋ ಮೈ ಜಾನ್ ರಹಾ ಹೂಂ
क्या इसको सर्वज्ञ रूपेण सर्वत्र सार्वजनिक तौर पर प्रकट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? आपके हर एक विचार, हर मन का विषय जो आता है, जो भी आता है, चाहे वाणी से बोलने की हो, चाहे देखने की हो, जो सुनने की, कोई भी चीज हो, उनकी सत्यता, सबकी सत्यता हृदय में ही प्रतिष्ठित है। हम क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उससे भी है ना व्यवहार, वो भी पुण्य पाप का कारण है, सत्य असत्य का कारण बन जाता है। ये सब हृदय में ही प्रतिष्ठित है, क्योंकि हृदय में रहने पर ही आप हृदय में विचार करके आगे प्रस्तुत कर सकेंगे। हृदय प्रतिष्ठित मिति तवते तस्माद् हृदय ही एव सत्यम प्रतिष्ठितम भवति एवमेव यद्याज्ञवल्क्य। तवदा ठीक है महाराज, आप जी जो बताए भी दिशा बिल्कुल सही है आपका। अरे सभी उपासना सम्यक कर रहे हैं आप, तो देवतापन होकर बिल्कुल सम्यक है। अब अंतिम रह गया किन देवता श्याम ध्रुवयाम दिशसी थी अग्नि देवते थी स्व अग्नि कसन प्रसिद्ध वाची थी कसन वाक प्रसिद्धा हृदय कसन हृदय प्रसिद्ध। आप डांट पड़ेगी इसके बाद, हृदय कहां प्रसिद्ध पूछ पड़ा। अब तक तो बाकी हृदय में से प्रसिद्ध हाँ ठीक है बोल देता था, यहां आके ठीक है नहीं बोला, एवं एवं क्या ऐसा नहीं बोल रहा है, और हृदय भी कहां प्रसिद्ध पूछ पड़ा। कहते अंतकर्ण हृदय से अंतकर्ण लिया गया ना, पहले बोल चुके मनस बुद्धि एकीकृत, मनस बुद्धि एकीकृत कह चुके, तो इसलिए अंतकर्ण और शरीर ये दोनों कहां प्रतिष्ठित है, यही पूछा। मतलब तुम और तुम्हारा ही हृदय मन अंतकर्ण ये दोनों कहां प्रतिष्ठित है, कहां प्रतिष्ठित है? आत्मा में ब्रह्म है, अब बोल नहीं सकता ब्रह्म है। यदि कह दिया जाए ये सारा चीज ब्रह्म में प्रतिष्ठित है, फिर पूछे ब्रह्म कहां प्रतिष्ठित है? इसलिए कहेंगे जिसमें प्रतिष्ठित है वही तो तुम हो, जिसमें ये सारी चीजें प्रतिष्ठित है वही तुम्हारा असली रूप है। इसलिए आगे कहेगा यज्ञवल्क्य जिसमें सब चीज होत प्रोत है, जो पहला का अष्ट भेद है ना या पंच भेद है ना, आकाश पर्यंत अक्षर पर्यंत होत प्रोतत्व का कथन किया था, वो सारे चीज जिसमें है वही औपनिषद पुरुष है। ये तुम वह नहीं जानते तुम्हारा गर्दन कट जाएगा, ताकि आगे पूछने का सवाल ही नहीं, और जानता नहीं किसे प्रतिष्ठित है, फालतू पूछ रहा है, इसलिए मर जाता है। यदि वो जानता होता हूं मुझ में ही प्रतिष्ठित है, मेरे स्वरूप में है, मेरे आत्मा में है, मेरे ब्रह्म स्वरूप में ही विद्यमान है, यदि वो जानता होता तो गर्दन कटता नहीं। इसलिए उस ब्रह्म प्रतिष्ठा को बताना चाह रहे हैं वो, इसलिए यहां पूछा उसने कस्मिन हृदय प्रतिष्ठित, हम कोई जवाब नहीं देंगे, डांटेंगे उसको पहले हा लिखो, ऐसा शब्द प्रयोग करते गाली देते हे प्रेतात्मा बोल दिया, अरे मरा हुआ आदमी हा लिखो कहते प्रेतात्मा, विचार करेंगे।